चले गाइस टॉबिन चेक करते हैं। तो लिमिटर आ गया यार, वैसे होड़ जाती हूँ ऊपर। इस वाली की कंडीशन देखो भैया, आप ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही था बस। रुक जा रहा हूँ मैं। ये राजी टायर भाई, न्यू टायर तो लगा दिया पर इतनी अजीब लग रही है ना गाड़ी अभी, मतलब गाड़ी खुद ही इधर उधर जा रही है भाई। ये देखो, अरे यार इतना अजीब क्यों लग रहा है पर ये न्यू टायर के साथ। गाइस यार बाइक ना रुला रही है भाई, देखो अभी यहाँ बैम धक्का मारते बाइक का पता नहीं क्या सीन है यार। अभी तक सही थी, अब देहरादून से वापस आ गया, अब ख़राब हो रही है भयंकर। तो हेलो गाइस, जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप यार आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वागत आपका एक और न्यू वीडियो में। और भाई बैठ भी क्या। तो अब यार हम निकल रहे हैं भाई अपने दोस्तों के रूम से, अपने मित्रों के रूम से। और जैसे कि आपको पता है हम आए थे देहरादून, और बाकी अभी फ़िलहाल हम निकल रहे हैं अपने टिहरी के लिए। और सबसे पहले काम है जो वो कराना है हमको, अपनी बाइक पे फ्रंट टायर इंस्टॉल। तो फटाफट चलते हैं क्लॉक टावर की तरफ और वहाँ पर टायर वगैरह चेंज कराते हैं इसका। और टायर कौन सा पड़ने वाला है वो आप लोग देखो, भी देखो रोला जमा देंगे रोला। और देहरादून में यार कल रात से बारिश हो रही है, बस अभी जाके थोड़ी बारिश रुकी है और बारिश होनी नहीं चाहिए। कि भाई हमने रोड क्रॉस, क्लॉक टावर तो मान चुके हैं भाई। अभी शॉप कहाँ होगी यार, शॉप आगे से। अच्छा कौन लगेगा टायर, टायर मिलेगा इतने हमको, टायर मिलेगा इतने मिलेगा यार भैया टायर, अंकल जी के यहाँ लगा था हमने टायर है, पुराना तो नहीं है ना। शाबाश बेटा,
रुक जा रुक जा, दिखा रहा हूँ मैं। ये राजी टायर अपोलो अल्फा H1 110 सेक्शन का भैया, खुद के शूज 1000 रुपये के और बाइक के शूज 10000 के, 10000 प्लस अगर अगला और पिछला दोनों लगाऊंगा मैं। ये 120 का हमारे लगाने के, नहीं नहीं मैं नहीं मानता। 120 का आ सकते लगा नहीं है? मैंने कहा पहले भी यहीं करा था पीछे वाला, तब तो लिया नहीं आपने। अभी लिया था भाई, जोड़ जब लाया हुआ तब तो 150 लिया था। ना ना उस टाइम तो 150 लिया था, जो टायर का रेट था वही लिया था। इस वाली की कंडीशन देखो भाई आप, ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही था बस। इस साइड इसमें थोड़ी थोड़ी ग्रीप बची थी, ये जो लाइन दिख रही ना आपको, पर बाकी अभी बहुत स्लिप लग गया था मैंने, तो मैंने चेंज कर दिया इसको अभी, क्योंकि वैसी बारिश का सीज़न है, हैंगर कहीं फिसले फिसल गए तो दिक्कत हो जाएगी। और अभी पड़ा इसमें फिर से अपोलो अल्फा H1 जो कि बैक टायर पड़ा है इसको, तो अभी मज़ा आएगा ना जब दोनों टायर पड़ गए सेम टू सेम अपोलो अल्फा, अब मजा आएगा लीन मारने में। भाई इतना हैवी लग रहा है ना यार, कितने किलो बोलियो? 30 किलो का तो होगा भाई ना, 25 किलो का तो होगा मिनिमम, ज़्यादा होगा भाई, बहुत भारी लग रहा है, बहुत भारी है। अभी थोड़ी बाइक की ना पावर हॉट ड्रॉप होने वाली है, क्योंकि जब हमने पिछला टायर डाला था तो थोड़ी सी पावर ड्रॉप हो गई थी, अभी फ्रंट पड़ गया तो इसमें भी थोड़ी पावर ड्रॉप हो ही जाएगी, क्योंकि टायर का साइज अपग्रेड है और टायर थोड़ा हैवी भी है ना पहले से, इसलिए। A few moments later. भाई न्यू टायर तो लगा दिया पर इतनी अजीब लग रही है ना गाड़ी अभी, मतलब गाड़ी खुद ही इधर उधर जा रही है भाई, ये देखो। अरे यार इतना अजीब क्यों लग रहा है पर ये न्यू टायर के साथ, एक तो टायर पूरा राउंड है ना, और ऊपर से बजाज की गाड़ियों में रिम भी छोटा आता है तो वो टायर थोड़ा सा राउंड हो जाता है अगल बगल से भाई, पर क्या लग रही है गाड़ी, मतलब खुद ही जा रही है भाई इधर उधर। अभी थोड़े इसमें हाथ बैठेगा ना तब इसमें जो लीन मारने में मज़ा आएगा ना नेक्स्ट लेवल। तो डर सी लग रही है इसको चलाने में, टायर मतलब बबल सा कर रहा है। तो गाइस अभी फिलहाल हम आ चुके हैं भाई टायर चेंज करा के, और अभी आगे चल रहे हैं अपने मामा हंटर 350 पे। और अभी फ़िलहाल आज मैं बहुत दिनों बाद रायपुर से आ रहा हूँ, और हम जा रहे हैं थानवाली रोड से, और इस रोड पे यार आपको पता होगा आगे पे एक सीधा पैच है, वहाँ पे ना आज अपनी आरएस का टोबन चेक करेंगे, हैंगर पुल भगा देंगे आज तो। रुक जा रुक जा, हाँ चले गाइस टोबिन चेक करते हैं। सौ 35 पे लिमिटर आ गया यार, वैसे होड़ जाती हो पर ट्राई नहीं किया मैंने। चले वापस अब भाई साहब, बहुत भगा दिया यार, लेट्स डू इट अगेन।
साउंड है बाइक का, बहुत तगड़ा बहुत तगड़ा। Thousand years later. गाइस यार बाइक ना रुला रही है भाई, देखो अभी यहाँ पे हम धक्का मारते मारते बाइक का पता नहीं क्या सीन है यार, अभी तक सही थी अब देहरादून से वापस आ गया, अब ख़राब हो रही है भयंकर, एक से एक परेशानी है भाई यार। चल बैठ यार, सी इस बाइक ने भी दिमाग ही ख़राब कर दिया बहन जो। भाई अभी हम जहाँ चल रहे हैं ना यार, देखो कितनी तेज धूप के लिए और ऊपर के हाल देखो भैया, आप क्या भयंकर कोहरा लगा है वहाँ ऊपर, तो पक्का बारिश हो रही है नरेंद्र नगर में बहुत भयंकर ढंग से। देखो भाई सामने क्या भयंकर कोहरा लगा है ऊपर।